चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का साइंस का जो बुक है, साइंस का बुक का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी तक मैंने दो टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज हम करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी हम करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि स्पीड क्या होता है, यानी कि चाल क्या होता है। चाल होता है एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसका एसआई मात्रक की बात की जाए तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि होता है चाल। दूसरा बात करते हैं वेलोसिटी यानी वेग। अगर मैं वेग की बात करूं तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बट्टा समय। इसका भी ऐसे मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यह सदिश राशि होता है। वेग जो है ये सदिश राशि होता है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वेग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे। जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे तो उसे पिंड का समरूप वेग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चाल बराबर, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो चाल और दूरी का सही संबंध आपका क्या हो जाएगा, देखिए अगर अभी हमने पढ़ा है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, यही होता है। यानी चाल बराबर क्या होता है, स्पीड अगर दूरी, ठीक है, स्पीड बराबर देखिए चाल क्या होता है, चाल बराबर अभी हमने क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। अगर दूरी की बात की जाए तो चाल इंटू समय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुना समय, और चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि एस ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होता है, जब वस्तु शून्य त्वरण का होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है कब, पिंड का क्या होता है, तब पिंड का वेग समरूप होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुक्तास्थ अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो गिरने के समय के वर्ग का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा। 5 किलोग्राम ये है, तो देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। अब देखिए हमारे को क्या निकालना है, हमको त्वरण निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। कितना न्यूटन बोल रहा है, 40 किलो पे 5 के हिसाब से लगेगा, तो 5 के 8 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस डैश की गति का एक उदाहरण है, तो ये असमान गति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा। यदि वेग समय और समय यदि वेग समय ग्राफ वेग और समय का ग्राफ जो होगा, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, अगर समय अक्ष के, ये मान लीजिए अगर ये समय है ये वेग है, अगर समय अक्ष के समानांतर होगा तो क्या होता है, वो एक समान वेग होता है, क्या होता है, एक समान वेग होता है।
क्या हो जाएगा, यानी वस्तु नियत वेग से चल रही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो शून्य त्वरण को कौन प्रदर्शित करता है? तो देखिए कौन करेगा, तो ये बी से सी के तरफ जाते हैं, यानी कि ए की से जा रहा है, तो बी से सी तक जाते वक्त क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। क्या देता है? तो स्थिति के समय, गति का दूसरा समीकरण जो है समय के बीच क्या करता है, स्थिति के बीच संबंध देता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के समय इसके गति को निर्दिष्ट करती है? तो वो वेग करती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दालु में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो उसे वेग के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या होता है? वो त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, कार का त्वरण शून्य हो, कार का वेग शून्य हो, कार का त्वरण निरंतर बदल, कार का वेग वेग जो है वेग निरंतर बदल बदल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होता है? तो इसका त्वरण शून्य होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डैश का उपयोग एक वस्तु का समग्र समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपका दूरी और विस्थापन होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, तो कौन करता है, तो विस्थापन करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होता है? तो वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है, तो क्या होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा, जहाँ से चला वहीं आ गया, तो उसको शून्य माना जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, असमान गति कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। ये किसके समानुपाती होती है, T/3/2 के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो वो क्या होता है, तो कहा जाता है कि वह गतिशील है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई के समय में हुआ परिवर्तन है, तो इस वेग में परिवर्तन है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर का मात्रक है, तो वेक्टर का मात्रक कौन सा है, तो वेग है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वेग कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे वेग समय ग्राफ कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु का वेग स्थिर होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गति के द्वितीय समीकरण बताना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो वो दूरी है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कोई पिन वी वेग के साथ ऊपर की ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई एच है तथा पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात उसका अनंत होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है कहाँ? बदलते हुए त्वरण के साथ। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताती है कि उसकी तक्षणिक चाल है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो ये आपका वी बराबर यू प्लस ए टी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा? आपका -2 2u हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में डैश होता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेग वी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होता है? त्वरण समरूप होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ियाँ ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि दूरी ए बी ये क्या है? तो देखिए, पूरी दूरी की बात करें तो ए की अपेक्षा बी, यहाँ पे ए और बी में देखिए, जब आप देखेंगे तो पूरी दूरी जो है ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है, ठीक है, दूरी और समय में। तो बी जो है वो अधिक वेग से चल रहा है, यानी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित ग्राफ जो है एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो समान त्वरण से होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होगा? वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? तो पिंड का त्वरण जो है वो डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके त्वरण शून्य हो जाएगा, ये सत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो ये आपका शून्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंदता का अर्थ क्या होता है? मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, मंदन जो है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती है, तो वस्तु डैश की होगी, क्या होगी? तो वस्तु एक समान त्वरण से होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, तो ये त्वरण, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे की
पहिए पर घर्षण बल क्या हो जाएगा? तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है वो पश्च दिशा में होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति क्या होगी? तो गति आपका एक समान होती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो ये बिल्कुल समान होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट है, एक समान त्वरित गति वेग समय ग्राफ होता है, क्या होता है? तो ये सरल रेखा में होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।